इनेलो के युवा नेता करण चौटाला ने एक बार फिर जेजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। रोहतक के इनेलो सम्मेलन में पहुंचे करण चौटाला ने कहा कि जंगल का शेर जख्मी हो जाए तो गिद्धों के राज नहीं आया करते। उन्होंने कहा कि कौवा जितना मर्जी उड़ान भर ले वो कभी गुरु नहीं बन सकता। जंगल का शेर जख्मी हो जाए तो गीदड़ों के राज नहीं आया करते। कौवा जितना मर्जी ऊपर उड़ान भर ले वो कभी गरुड़ नहीं कहला सकता। हमें हवाओं से क्या डराते हो, तूफानों से लड़ने की आदत है। हमें हवाओं से क्या डराते हो, तूफानों से लड़ने की आदत है। इन लहरों से क्या डराते हो, हमें समंदर में तैरने की आदत है। जहां तक रही जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच की बात, उनकी नीतियों की बात, आप लोगों से एक वायदा करते हैं, दोनों भाई कभी उस नीति और उस सोच से परे नहीं हटेंगे। और आपके लिए जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़े सदैव आपके लिए संघर्ष करेंगे, सदैव आपके लिए आपके आगे तैयार खड़े मिलेंगे। मैं तो आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संदेशा आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि चौटाला साहब अब ठीक भी हैं, उनकी सेहत में काफी सुधार भी है और बहुत जल्द आपके बीच में आकर के आपसे मिलेंगे और 1 तारीख को रैली में आकर के हांसी में बोलेंगे भी। मैं तो आज 2-3 बातें जो उन्होंने मुझे कहा था उनको पहुंचाने आपके लिए आपके बीच में आया हूँ। जिस प्रकार इस मौके पर अशोक अरोड़ा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इनेलो को कमजोर करने वाले खुद कमजोर होंगे। उनकी जा रही थी, हम उस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे, हम महिलाओं की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो बीच में ही साथियों किस प्रकार से हमारी पार्टी को कमजोर करने के प्रयास किए गए। परंतु साथियों जो लोग कमजोर करने वाले थे, निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि वो खुद कमजोर होंगे। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब सजा सुनाई गई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब 2013 के 22 जनवरी को जब सजा सुनाई गई थी, उस समय साथियों हमारे जो विरोधी लोग थे ये कहा करते थे कि लोकदल खत्म हो गया, लोकदल कमजोर पड़ गया अजय सिंह और चौटाला साहब के जेल जाने के बाद। परंतु आपके कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी, जो लोग हमारी दुकान बंद करना चाहते थे साथियों उनकी जो दुकान बंद हुई, परंतु लोकदल मजबूती से आगे बढ़ा। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा भी बोलने से नहीं चुके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इनेलो का विघटन करने वालों को हमारा श्राप लगेगा। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ रोहतक से दीपक खोखर की रिपोर्ट। सरकार बनेगी, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, परंतु किसी को इन 14 वर्ष के संघर्ष में नौजवानों की, इन बुजुर्गों की कड़ी मेहनत जो इन्होंने की थी उसका कोई ध्यान नहीं दिया। और ध्यान ना करने की वजह से पार्टी के अंदर किस प्रकार से विघटन कर दिया, ना किसी दादे की, ना किसी चाचे की, ना किसी दादी की, सबका श्राप दिया। और हमारा भी श्राप ऐसे लोगों को है जिन्होंने हमारे 14 वर्ष की कड़ी मेहनत को पानी में मिला दिया।